आदर्श विद्या मंदिर सरदार सर के भवन प्रांगण में आयोजित अचित्रवय गणतंत्र दिवस के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में पधारेड़ा सभी सम्माननीय महानुभाव, सम्माननीय सुबोध जसेरिया साहब, सम्माननीय छगनलाल जसेरदा भाई, मदन जी ओझा, दिनेश जी सोमगरा, प्रिंसिपल साहब, बेबियों और प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, अभी बहुत ही सुंदर बच्चा को कार्यक्रम देख रहे, बड़ो आनंद आ रही, छोटे छोटे बच्चों को कितो बढ़िया अपनी पावर है। मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करूं, कोटि कोटि नमन करूं कि भागीरथ ने जो आदर्श विद्या मंदिर रूपी गंगा ने अपने भारत राष्ट्र कमाई ने शुरू करी, आपकी बहुत गर्व की बात है। तो बहुत बड़ो सौभाग्य है हिंदुस्तान को आदर्श विद्या मंदिर हिंदुस्तान में हुई है। आज 30,000 के करीब आदर्श विद्या मंदिर हिंदुस्तान में है, जगह 30 लाख हो जैसी विदिन आपने देश को स्वरूप देव स्वरूप हो जैसी। अगर आप जगह राष्ट्र में रहा, अपने सबसे बड़ी बात से गुलामी हिजत तो अपनी मजबूरी, पर भारत स्वतंत्र होने के बाद में भी कोई भौतिक उन्नति करी तो बात अलग है, जिसकी आध्यात्मिक उन्नति है, जिसका नैतिक है, संस्कार है, राष्ट्र के प्रति, माता पिता के प्रति, मानवता के प्रति, प्रकृति के प्रति जिसका अपना दायित्व है, वह स्कूलों में कोई समझ सिखाया जा रहा है, अपने लिए बहुत ही दुख की बात है। आज आदर्श विद्या मंदिर की स्थापना होने के बाद में अपने देश के भविष्य को निर्माण हो रही है, ऐसा बच्चा बालिक बालिकाओं तैयार होनी कर रही है, निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है। आज कोई भी देश हमें देखा दुनिया का में नर्सरी स्कूल के मायने सबसे बड़े वाले नेशन पढ़ाए जाए, राष्ट्र की है, राष्ट्र पंजाब की दायित्व है, बेसिक सारा हिंदुस्तान की कल्चर से संस्कृति से ही है। आज आप पिछड़ जा करके आगे बढ़ गया, बाकी आप सौभाग्य इतिहास की पुनरावृत्ति हुए, अब पाछा पाछा मैं आप से सीख रहे, आप देख रहे कर रहे हैं, बार चार पांच दिन पर एक दिन देख रहे आगे अमेरिका के मायने खटे कम से कम 2,000 बच्चा है, छोटा छोटा आप लोगों ने जितना तेरा गीता पाठ कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो वास्तव के मायने देखो हमारे अभियान साल जो जी हमारे 22 जनवरी को देखो राम में देखो भारत को नहीं विश्व का मैंने भी धल कर निश्चित रूप से तो बड़ो प्रभाव बनाएगो ये भी कोई अंदाज को नहीं है। आप विज्ञान के चक्कर के मायने आप रीति रिवाज ने आप सारी बात आप भूलता जा रहा, विज्ञान की है, विज्ञान तो मात्र 300-350 वर्ष की कहानी है। पुस्तक विमान पहले भी उड़ता, सारा का सारा काम अग्निबाण मिसाइल बहुत पहले अपने ऋषि लोग जगह कर दिया सारा, जितना भी जगह वैज्ञानिक है फादरों की साइंस है बातें देखो थी, वे भी हमेशा भगवान ही मानी बताने वाला, गैलीलियो है, आइंस्टीन है, न्यूटन है, नोबेल है, जितना भी जगह वैज्ञानिक हो जा सब भगवान ने मानता। साइंस में सबसे बढ़िया देखो गुरु में हमारे डॉक्टर है, हमारे रतनगढ़ के मायने रहता डॉक्टर जगह सारा डॉक्टर है, जगह बीकानेर से है पैदल जाता रामदेव बाबा के मुखी यहाँ बोले बड़े डॉक्टर ने प्रणाम कर रहा हूँ पहले जन हमें बढ़िया इलाज कर पाशा। तो आज की चीज है वैज्ञानिक के नाम पर आपने थाने बताओ एकदम से नास्तिक बनाया को षड्यंत्र चाल जो कर परमात्मा की कृपा के बिना कुछ हो सके। आइंस्टीन जब मरण लागे वो एक बात कही कि मैं पूरी जिंदगी में पदार्थ की खोज कर वो बोलो हे प्रभु मैंने अगर थोड़ा टाइम और मिले तो मैं मेरी खोज भी करूंगा, मैं कौन हूं खटू आयो मैं के करूंगा। अब सोचा करे बोला कि आवाज खटू आ रही है, आंखें किया देख रही है, कान किया सुन रहे, भोजन करा वो किया बचकर खून सारी चीजें हड्डिया सब पढ़ नहीं कर रही है, सब चीजा ने आपने जाननी बहुत जरूरी है। जब आपने संसार में भेजा है वह परमपिता के बारे में भी आपने जानो बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, पर शिक्षा के सारे संस्कार आना चाहिए, जीवन जीने को तरीको आना चाहिए। आज आप माँ सरस्वती ने देख रहे हैं, माँ सरस्वती के चार हाथ है, एक में माला है, एक में पुस्तक है, माला और पुस्तक, पुस्तक ज्ञान है, माला आध्यात्मिक है, बाकी एक एक आत्मा है, बाकी जिनकी पीड़ा है वह दो आत्मा पकड़ रखी है। कला को जीवन में बहुत महत्व है, जीवन जीने की कला है,
लोग पीछे के पीछे भाग रहे हैं, मैं बहुत आरोप प्रत्याने जाऊंगा, अशांत हो रहे अगर नींद गोलियां वाले खानो खाओ तो उबलेगी कोई चीजा खा ले, रोटी खाओ इतनी तो दवाई ले, ऐसी स्थिति वाली हो रही कर रही है। तो खाली जीवन जीवन में जो कोई भी एक कला है आप क्या प्रसन्न रहवा कि आपने मानवता को दायित्व आप निभावा, ये सारा संस्कार है जगह आदर्श विद्या मंदिर में मिले है, अपने लिए बहुत खुशी की बात है। जितना भी विद्यार्थी हो वहां के लिए थाने आदर्श विद्या मंदिर का मैंने शिक्षा मिलनी कर रही है, थाने संस्कार मिल जा कर रहे हैं, क्यों माँ है जी 9 महीना तो बच्चे ने पेट में रखे, 5-4 साल की और भी व्यवस्था करे, बाकी भी को भविष्य बनाने के लिए भी ना आध्यात्मिक बनाना बहुत जरूरी है। एक लोग तो शंकर भगवान के जल चढ़ा दे या सूर्य भगवान के जल चढ़ा दे, उनके बाद में संसार का काम करो ना सारा, पढ़ाई और कर परीक्षा विषय तो मास्टर सोते नहीं याद करता है, तुरंत सारी की सारी याद आने लग गया हुआ था। तो अपने जिनकी जी मूल जिनकी शक्ति है भी के बारे में सोच रहे, कला के बारे में सोच रहे कि अपन जीवन किया जीवन में पढ़ किताबी शिक्षा के सागे सागे अपन जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, जगह अपना दायित्व है नैतिकता का जगह कर्तव्य का भी अपन ने निभाना चाहिए। आज 4 प्रोग्राम ध्वजारोहण का स्कूला का कार्यक्रम ले लिया मदन जी दिनेश जी, देखो अब मैं कभी समय दे पाऊंगा, एक बाद में 3-4 महाराणा प्रताप में 3-4 कार्यक्रम है, ये बोलकर मैं आप लोगों के बीच में जाती हूँ। बार बता रहा गुरु जी बता रहा के मदन जी बता रहा सुबोध जी से साहब बता रहा के 250-300 बच्चा तैयार हो रहे कार्यक्रम लेने के लिए, और वास्तव में बहुत बड़ी बात है, आप देख रहे थी क्योंकि कोई भी तैयारी करे माने मैं ले रहे मंत्री हो भी दे मैं झूझनू को मैं ज्यादातर झंडा फहराया कर तो कैबिनेट मंत्री होना, क्योंकि बटे पीरा की भूमि है जब मैं बधी भेजता करता तो एक बार छाटे वाला की मैं देखो 300-250 गरीब बच्चे ही जगह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो तो कलेक्टर मना कर दी, वो बूंदा आवला की वास्ते प्रोग्राम कैंसिल कर दो, तो बच्चे आ गई एकदम सेकंड है, बोले सर हम दिख जाओ चिमने प्रोग्राम देशा में तैयारी कर रखी है, आज 1.5 महीना से मैं तैयारी कर रखी हमें वो कलेक्टर साहब आने कर दी प्रोग्राम आगे मन है कोई दिक्कत हो नहीं, हालांकि 2-4 मिनट बाद में छाया भी रुकी कर ली तो जगह खाला तो मैंने तैयारी करे वहां को देख रहा चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि वहां जो भी प्रदर्शन है बाकी कला है मैंने देखो क्या करूंगा, मैंने 3 प्रोग्राम हम और जाना एक बार मैं आपके बीच में से जाने की जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद।